सत श्री अकाल जी, मैं स्वत सक्सेना स्पीड न्यूज विच आप सब का स्वागत करती हूँ। अज पूरा देश महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मना रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य तो मुक्त करने लिए कई अहम अंदोलन की अगवाई की, जिस नाल पूरी दुनिया में उन्होंने अंदोलनों तो प्रेरित होकर स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार दी कई लड़ाइया लड़ी गई ने। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मौके प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्होंने नमन किया, देशवासियों को उन्होंने सिद्धांतों से चलने लिए संकल्प लेने की अपील की है। रेलवे बोर्ड के प्रधान सीईओ वीके यादव ने कहा कि भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर तो 30 नवंबर विचाले 200 विशेष ट्रेनां चलाउण दी योजना बना रही है। रेलवे ने फिलहाल सारे आम यात्री ट्रेनों नूं अणमिथे समय लिए रद्द कर दिता है। ये ट्रेनां 22 मार्च तो रद्द सन। उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना को लेकर ग्रेटर नोएडा में दिन भर चली हाई वोल्टेज ड्रामे तो बाद नोएडा पुलिस ने कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी और जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पीएल पुनिया ते सचिन पायलट समेत 153 कांग्रेस के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। 50 अणपछाते लोगों भी एफआईआर में शामिल ने। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज भी ने। यह एफआईआर ग्रेटर नोएडा के इकोटेक जंगल पुलिस स्टेशन दर्ज करवाई गई है। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के नेड़े इलाके में धारा 144 लगा दी है। इतने किसी तरह के प्रबंध या प्रदर्शन की आज्ञा नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी वालों यह आदेश जारी किया गया। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बार फिर गोलीबारी की उल्लंघना की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में वीरवार दोपहर पाक फौज ने बिना किसी उकसावे के माछुल और केरन सैक्टर में आर्टिलरी बंदूकों से गोलीबारी की है। मोर्टार दागे ने इतने जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज ने भी गोलीबारी की है। जर्मनी के भारत विचकार एयर बबल करार को लेकर मतभेद पैदा होने कारण जर्मनी ने हुण एयर इंडिया की फ्रैंकफर्ट लई उड़ाना चलाउण की आग्या वापस लै लीती है। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि जर्मनी वालों आग्या वापस लैण कारण फ्रैंकफर्ट आने जाने वाली सारिया उड़ाना 14 अक्टूबर तक लई रद्द हो गई ने। महामारी आफत के मद्देनजर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ाना राही आने वाले मुसाफरों की सुरक्षा के लिहाज न विशेष प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय यात्री हुण कोरोना की आरटीपीसीआर जांच सहूलत ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुसाफरों को यह सहूलत देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव मामले में डिफेंस कौंसल की नियुक्ति को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। रेलवे ने अपने माल भाड़े ग्राहकों लिए विशेष तौर पर एक पोर्टल तैयार किया। इस नाल ना सिर्फ भाड़े के ग्राहक सीधे तौर पर अधिकार नाल जुड़ सकेंगे सगो वो इससे अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। देर रात मलोट विखे वापरे दोहरे गोलीकांड मामले में गंभीर जख्मी हुई इलाज अधीन एक महिला ने दम तोड़ दिता है। उधर पुलिस ने दोषी गुरसेवक सिंह उर्फ भट्टी खिलाफ आर्म एक्ट दी धारावां 302-307 तहत मामला दर्ज करके दोषी पाई शुरू की है। रोहित शर्मा के शानदार अर्ध सैकड़े आखिरी ओवर में किरोन पोलराड की धमाकेदार पारी और फिर जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के दम से मुंबई इंडियंस ने वीरवार को इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब को 48 रनों से हरा दिया है। उधर चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद में आज का मैच होगा। इस दे अंत में तो आ गया। धन्यवाद।